बॉलीवुड हीरोइनें बेहद फेमस हैं और इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस से जुड़ी खबरें भी हम खूब पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइंस भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइंस को टक्कर देती हैं? इस वीडियो में आज हम भोजपुरी इंडस्ट्रीज की कुछ ऐसी हीरोइनों के बारे में बात करेंगे जो दौलत और शोहरत दोनों मामलों में बॉलीवुड हीरोइनों के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है अक्षरा सिंह का। अक्षरा ने भोजपुरी की कई हिट फिल्मों में काम किया है और इसके लिए वो काफी अच्छी फीस लेती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वो एक फिल्म के लिए 10 से 15 लाख रुपए तक की फीस लेती हैं। वो एक घंटे के शो के लिए 3 से 5 लाख तक की फीस लेती हैं। अक्षरा सिंह की कुल संपत्ति लगभग 60 करोड़ रुपए है। आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शुमार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भोजपुरी सिनेमा की ब्यूटी क्वीन एक फिल्म के लिए 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती है। आम्रपाली एक शो के लिए करीब 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करती हैं। उनकी नेट वर्थ करीब 30 करोड़ रुपए है। भोजपुरी सिनेमा में अपनी अदाओं से जलवा बिखेरने वाली मोनालिसा की नेट वर्थ 35 करोड़ बताई जाती है। मोनालिसा भोजपुरी की कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी है। इस लिस्ट में रानी चटर्जी का नाम भी शामिल है जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वो एक फिल्म के लिए 8 से 12 लाख तक की फीस लेती हैं। रानी चटर्जी की कुल संपत्ति 37 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जाती है। अगला नंबर आता है काजल राघवानी का। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेट वर्थ करीब 14 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं पाखी हेगड़े भी फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, जिनके पास 10 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। हाल के दिनों में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने भी काफी तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी हैं। नीलम गिरी म्यूजिक वीडियो से अच्छी खासी कमाई करती हैं। उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।